तो केजरीवाल जेल के अंदर लेकिन शराब घोटाले में ही गिरफ्तार हुए उनके सबसे करीबी साथियों में से एक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की आज रिहाई हो सकती है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल में भर्ती हैं। संजय सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट आज बेल की शर्त तय करेगा। बेल की शर्त तय होने के बाद बॉन्ड भरा जाएगा। संजय सिंह के वकील राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। सबसे ताजा अपडेट यही है कि वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं और अभी फिलहाल उनके किसी राजनीतिक कार्यक्रम पर कोई रोक नहीं लगाया गया है कोर्ट के द्वारा। तो ये सबसे बड़ी राहत है कि 24 के चुनावों से पहले जिस तरह आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं, जितने नीति नियंता माने जाते थे, वो लोग जेल के अंदर ही है। उस वक्त में, ऐसे वक्त में संजय सिंह का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। संजय सिंह बाहर आएंगे, उसके बाद वो अपनी बात भी रखेंगे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें डिस्कशन के बारे में मना किया है, शराब घोटाले के जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में कोर्ट में मना किया है कि उसमें जब तक ये जांच चल रही है वो उसका जिक्र ना करें। कल उनकी तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब होने के दौरान वो आईएलबीएस अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं से मेरे सहयोगी अहमद बिलाल जो हैं जुड़े हुए हैं। हेल्थ बुलेटिन क्या है, अपडेट क्या है, वो जरा बताएंगे अहमद। बिल्कुल विवेक, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि कल सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब संजय सिंह को आईएलबीएस अस्पताल में लेकर के आया गया था, जहां पर उन्हें लीवर से संबंधित जो है वो समस्याएं थी। लेकिन अभी का जो अपडेट ये है कि अब संजय सिंह को वार्ड से निकाल करके जो है वो अब दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है और जो जरूरी जाँच है वो यहाँ पर की जा रही है। अब से कुछ देर पहले ही संजय सिंह को जो है वो यहाँ पर लेकर के आया गया है इमरजेंसी वार्ड में, और इसके आगे जो है वो संजय सिंह की जो जरूरी जाँच है डिस्चार्ज होने से पहले वो जाँच कराई जा रही है। और इसके बाद ऐसा जो कि परिवार के सूत्र हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 11:30 बजे के बाद का वो वक्त जो होगा वो कभी भी संजय सिंह को जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है। और इसके बाद संजय सिंह जो है वो को लेकर के सीधे तिहाड़ जेल लेकर के जाया जाएगा, और तिहाड़ जेल लेकर के जाने की जो सारी तैयारियां हैं वो भी यहां पर पूरी हो चुकी है। देखिए यहां पर जो तिहाड़ जेल की ओर से जो वैन है, जो न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पर आ चुकी है, और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी भी जो है वो अब यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ देर में संजय सिंह को ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि जो सबसे जरूरी बात है कि संजय सिंह जो है वो उनकी जो तस्वीर देखने को मिली है वो व्हील चेयर पे संजय सिंह को जो है वो यहाँ पर इमरजेंसी के अंदर जो है वो लेकर के जाया गया है, जहाँ पर उनकी जो जरूरी जाँच है जो कि अस्पताल के सूत्र हमें बता रहे हैं वो की जा रही है। और तकरीबन आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट का वक्त जो है वो अभी भी और लग सकता है। लेकिन जो जरूरी बात है कि संजय सिंह जो है वो उनके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं एक राहत जो है वो उनके चेहरे पर जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि वो व्हील चेयर पे थे संजय सिंह, लेकिन उसके बावजूद चेहरे पर जो जमानत मिलने की जो खुशी है वो तो दिखेगी ही, क्योंकि ऐन चुनाव से पहले आ रहे हैं। आप दोनों अहमद बिलाल और दीपक, आप दोनों हमारे साथ रहिए। ABP News, आपको रखे आगे।